दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गोरखपुर यूनिवर्सिटी वोमेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को संवाद भवन में एक दिवसीय कार्यशाला वोमेन हेल्थ एंड हाइजीन का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह कुल की प्रथम महिला श्रीमती गीता सिंह तथा कार्यशाला के मुख्य वक्ता स्त्री रोग विभाग बीआरडी मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष प्रोफेसर रीना श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर नूतन त्यागी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए एसोसिएशन के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक समझाया। तत्पश्चात कार्यशाला के आयोजक सचिव प्रोफेसर दिव्य रानी सिंह ने कार्यशाला के उद्देश्यों को रेखांकित किया। इस दौरान अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय कुलपति ने महिला शिक्षा व बेहतर स्वास्थ्य का महत्व बताया तथा इस विषय पर निरंतर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की पहल की। कार्यशाला की मुख्य वक्ता प्रोफेसर रीना श्रीवास्तव ने महिला जीवन के प्रत्येक अवस्था में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत कराया तथा बचाव के उपाय बताते, साथ ही स्वच्छता तथा पोषक तत्वों के अभाव में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह, प्रोफेसर मालविका श्रीवास्तव, मनोविज्ञान विभाग प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रोफेसर ओपी पांडे, प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, प्रोफेसर शिखा सिंह, प्रोफेसर सुधा यादव, प्रोफेसर छाया रानी, प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, प्रोफेसर नंदिता सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यशाला के आयोजक सचिव प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने कहा, उनका मनोबल बढ़ता है
और अपने योगदान को और बेहतर तरीके से हमारी छात्राएं जो ज्यादा समाज में कर पाए, इसी अभिलाषा के साथ गोरखपुर सिटी के बीआरटी मेडिकल कॉलेज के गायनी डिपार्टमेंट में अध्यक्ष है। इसके अलावा वो गोरखपुर में होने वाले विभिन्न वुमेन रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं। वे मेडिकल कॉलेज के एआरटी सेंटर की प्रेसिडेंट हैं। एआरटी सेंटर एचआईवी पेशेंट्स के काउंसलिंग के लिए बीआरटी मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है, वो उसके प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वो मेनोपॉजल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं। और आज इस विषय पर हमें वो बहुत सारे हमारे डाउट्स को, हमारे मिथ्स को क्लियर करने वाली हैं और जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो मैं उनका सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं इस प्रोग्राम में उपस्थित अपनी इस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीमती गीता सिंह का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि हमने कल ही उनसे संपर्क किया और उन्होंने सहज ही हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं आपके प्रति आभार भी प्रकट करती हूँ और आप इस सभागार में सभी सदस्यों की ओर से स्वागत करती हूँ। ये आपको अवसर प्रदान किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, उसका थोड़ा सा भी ज्ञान अगर समाज में हो जाए तो हमें मरीज ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिलेंगे, उनका उद्धार होगा। और ख़ास तौर से जो ये यूथ बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको अगर चीज़ों का ज्ञान होता है तो जब ये अपना परिवार बनाएंगे तो उन सब चीज़ों का बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे और महिला गठधार में अपने परिवार की परिवार सुखी, समाज सुखी, देश आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में हम लगे हुए हैं जो कि अब तक सब ठीक हो जाना चाहिए था हमारे देश में। आज हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आज हम ओपन डेफिकेशन की बात कर रहे हैं, आज हम अभी भी हाथ धोने के तरीकों पर बात कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से अभी तक सबको आना चाहिए था। ये हमारी पुरानी संस्कृति थी जो कि खत्म हो गई। अब जो अब नया इस समय हमारा समाज है उसमें मोर देन 50% को मुझे हाइजीन भी सिखाना पड़ रहा है। तो शायद ये प्रमुख जन जो यहाँ बैठे हैं उनको जानने से ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पूरे समाज में परकुलेट करेंगी, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जाएंगी। एक को पता होता है तो मल्टीप्लाई करके सब जगह पहुँचता है। इसलिए मैं इस अवसर के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, इस कार्यक्रम की आयोजन सचिव। यह एक कार्यशाला है जो महिला स्वास्थ्य से संबंधित है और इस कार्यशाला में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता देने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर रीना श्रीवास्तव जी, जो मेडिकल कॉलेज में गायनी की विभाग अध्यक्ष हैं, वो पधारी हैं और वो महिलाओं को कैसे एनीमिया और बाकी जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जो पोषण के तरीकों से हल की जा सकती है उसके बारे में बताएंगी। इसके अलावा वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएंगी। यहाँ पर 9 मूवमेंट के लोग भी हमसे एसोसिएट किए हुए हैं, उनका भी एक उनके व्याख्यान के बाद एक कार्यक्रम होगा जिसमें वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे रखें और किन के उन दिनों में किस तरीके से सावधानी बरतें, और साथ ही ये एक जीवन की एक प्रक्रिया है उसको नॉर्मल तरीके से, इसके संबंध में भी एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे और साथ ही बच्चों के जो भी क्वेश्चंस हैं या जो वो प्रश्न पूछना चाहती हैं वो भी इस सेशन में पूछेंगे।